हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि है न्यूलिक कंपनी का एक स्मार्ट वॉच, जिसको कि इवनिक कंपनी का स्मार्ट वॉच जो कि आज ही मैंने अमेजन से मंगाया है। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा है शिफ्ट फ्रॉम इवन रिटेलर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और ये दिल्ली की कंपनी है और ये मेरे नाम से आया है, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा शिवपुरी। तो इसको चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं। ये देखिए पूरा एकदम पैक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि किसका कैसे आगे अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसा प्रोडक्ट आया है। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ से कट करेंगे, तो ये कट कर रहा हूँ मैं, और कट करने के बाद ये तो रिसिप्ट है, तो उसके अंदर और कुछ नहीं है, इसको हम लोग साइड रखते हैं। रिसिप्ट को भी हम लोग साइड रखते हैं, और ये जो है ये इसका सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, ये कहीं दबे नहीं, ये अच्छी तरीके से लपेटा गया है। चलिए इसको भी हम लोग साइड रखते हैं। और ये देखिए, ये जो है हम लोगों का स्मार्ट वॉच एविंक लिटफिट, इसमें देखिए क्या लिखा है कि ब्लड ऑक्सीजन प्लस हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर। ये इसमें खास बात है कि ये इसमें बॉडी टेम्परेचर को भी मेजर करेगा। तो ये पूरी तरह से सील्ड है। चलिए इसको हम लोग काटते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कैसा है। तो काटते हैं, इसको मैं खोलता हूँ। इस पर लिखा है ब्लू, चलिए देखते हैं। ये तो डब्बे के अंदर एक और डब्बा, कुछ तो है। तो इस डब्बे को हम लोग साइड रखते हैं। ये इसका वारंटी रजिस्ट्रेशन है, कार्ड है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। और ये इसका यूज़र मैनुअल है, तो ठीक है। और ये हम लोग का जो है वो मेन जो कि है वॉच, ये है। इसमें देखिए ऊपर से ये इसका डिस्प्ले है, ये पावर बटन है, ये टॉर्च है, ये नीचे जो है यहाँ पे सेंसर है, और ये जो है कि टेम्परेचर सेंसर है। और ये दोनों जो पॉइंट है ये चार्जिंग के लिए बनाए गए हैं। और ये इसका चार्जिंग जो भी देखेंगे तो ये यूनिक टाइप का चार्जिंग है, ये छोटा सा है। यूएसबी लेंथ थोड़ी छोटी दी गई है, ये एक कमी है। और ये मैग्नेटिक टाइप का है, दूसरी तरफ से ये अटैच नहीं होता है, केवल एक ही तरफ से ये अटैच होगा। और इसको फिर जो भी नॉर्मल चार्जर है उसके अंदर ये यूएसबी इंसर्ट कर देंगे। तो ठीक है, अभी इसको साइड रखते हैं। इसके साथ हमें मिला है ये बैंड है, तो बैंड तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ब्लू कलर का है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें करते क्या है कि थोड़ा हम लोग पावर ऑन करके देखते हैं कैसा है। तो इसको 6 सेकंड तक के लिए दबा कर रखना है, और ये ऑन हुआ, थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ। इसमें भी यदि हम लोग देखें तो बैटरी जो है वो बहुत ही कम है, तो लगभग बैटरी बहुत कम है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसका ऑपरेट करेंगे। इसमें यदि हम लोग देखें तो अभी टाइम 1:46 हो रहा है, जो कि अभी हमें इसको बनाना होगा, मतलब कि इसको ठीक से सेटिंग करना होगा जब ब्लूटूथ के साथ कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे ये ब्लूटूथ जो लिखा है, ये जो सिंबल है कि यदि बीच में लाइन है गोल के चारों तरफ, तो इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, और जैसे ही ये हो जाएगा तो फिर ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग चार्ज में लगा देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे चार्ज में लगा देंगे, और फिर तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये फुल्ली चार्ज हो गया है, और इसको जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि बैटरी का जो पावर है फुल हो गया है। और इसको ये जो है स्टेप्स को शो कर रहा है,
क्योंकि मैंने इसके बाद जो है कि बहुत लगभग 3,764 कदम मैं चला भी, इसको थोड़ी देर तक करने के बाद, चार्जिंग करने के बाद मैं थोड़ा बाजार भी चला गया था पहन कर पैदल ही, तो ये लगभग 3,764 कदम हो गया। ये अभी भी मैंने बाइंड नहीं करके रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्ट्रिप्स को लगाएंगे। तो स्ट्रिप्स को लगाने के लिए हम लोग करते क्या है कि पहले स्ट्रिप्स को लेकर आएंगे, और स्ट्रिप्स को लेकर आने के बाद ये जो है, जो इसमें स्ट्रिप्स में देखिए बहुत अच्छा दिया है, इसका जो पॉइंट लगाने वाला जो है ये काफ़ी अच्छा है, इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने, बहुत ही आराम से ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से किए और ये इंसर्ट हो गया। उसी तरीके से दूसरी तरफ भी जो है, सबसे पहले ये हम लोग लगा लेंगे इसका जो बैंड है जिसमें कि फंसाया जाता है बाद में, फिर उसके बाद इसको पीछे की तरफ से करते हुए ऐसे लगाएंगे और फिर इसको थोड़ा सा मिलाएंगे और ये हमारा तैयार हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा इसमें जो चीज़ दिया है, तो ये अभी टाइम मैंने भी सेट भी कर लिया और ये पावर पूरा हो गया, कदम भी मैं स्टेप्स भी चल चुका हूँ। यहाँ पे दो तरह के टेम्परेचर दिख रहे हैं, ये जो टेम्परेचर है जो कि 90.35 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और एक टेम्परेचर 97.73 है। तो ये जो है ये दिखाता है स्किन टेम्परेचर, मीन्स सरफेस का। यदि मैंने बैंड पहना है तो जो सरफेस टेम्परेचर है इसको ये शो करता है। यदि मैं अभी देखें तो मेरा हाथ जो है कि बहुत ठंडा है, तो ये सरफेस टेम्परेचर को ये शो करता है। जबकि 97.73 जो है ये लगभग इस बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करता है, और उसमें लगभग इसको एक मिनट का समय लगता है, जबकि ये तुरंत ही मेजर हो जाता है। तो उसके बाद क्या क्या फंक्शन है इसमें यदि हम लोग देखें तो इसमें जो है देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर है, हार्ट रेट है, ब्लड ऑक्सीजन है, और कितने स्टेप्स हैं चले हैं वो है। स्पोर्ट्स में है, वॉकिंग टाइप है, रनिंग टाइप, हाइकिंग टाइप, साइकिलिंग टाइप, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये सब कुछ टाइप्स दिए गए हैं। स्टॉप वॉच की तरह भी काम करेगा, रात में कितना सोते हैं ये होगा। फिर मैसेजेस यदि कुछ आएंगे तो इसमें शो करेगा, अभी कोई मैसेज नहीं इसलिए कोई मैं नहीं देखा सकता। फिर फाइंड फोन है, यदि जब हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके हमेशा रखेंगे, और फ़ोन कभी कभी अचानक कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं पर छोड़ देते हैं, तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर वो हमें जो है कि फ़ोन जो है कि रिंग करना शुरू कर देगा। उसका म्यूजिक, यहीं से चाहें तो हम लोग म्यूजिक भी चला सकते हैं मोबाइल में। फिर ये QR कोड है, QR कोड जो है ये इसको जैसे करके और जो हम स्कैन करेंगे तो हमें किसी सॉफ्टवेयर की खोजने की जरूरत नहीं, बस उसी QR कोड से ये सॉफ्टवेयर चलने लगेगा। इसमें सेटिंग में देखिए क्या है, लैंग्वेज हम लोग इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज जो भी है कुछ है डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद चूँकि इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो सेटिंग में जाकर हम लोग करते क्या है कि डिस्प्ले टाइम जो है हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये स्क्रीन टाइम जो है वो हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। लेकिन यही है कि यदि डिस्प्ले टाइम हम लोग बढ़ाएंगे तो फिर जो है कि बैटरी जो है कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो डिस्प्ले में क्या क्या है, ब्राइटनेस है, स्क्रीन टाइम है, और उसके बाद टर्न रिस्ट वेक, मतलब यदि पहने हैं और ऐसे करेंगे तो फिर ये टाइम शो करने लगे, इसका ये मतलब हुआ। तो जब भी ये लेकिन टर्न हो ऑफ होगा तो ये क्या होगा, अपने आप जो है कि मेन टाइम पे ये चलाएगा, इसमें कहीं भी ऐसी नहीं है घबराने की बात है। ये देखिए पीछे जो है कि ग्रीन इसका लाइट चलता है, हम थोड़े थोड़े सेकंड पे चलता रहता है, जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता रहता है। तो ये क्या है कि इसमें हमेशा मेजर करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक जो है कि मेजर करता रहता है। उसके बाद इसमें टाइम सेटिंग है कि टाइम को, डेट को, टाइम को किस प्रकार से देखे जा सकता है। तो जैसे ये एक स्टाइल है तो ये हमें पसंद है, ठीक है। टाइम जो है कि दो फॉर्मेट में है, 24 आवर्स और फिर जो है 12 आवर्स में। डिस्टेंस का यूनिट सब दिया गया है, वाइब्रेशन इंटेंसिटी, जब भी कभी कॉल आएगा या फिर जो वर्क पूरा हो जाएगा तो ये वाइब्रेट करता है, या फिर जैसे ही बाइंड होता है तो फिर ये वाइब्रेट करता है। तो ऐसी कंडीशन में वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को हम लोग चाहें तो बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला करके हम लोग देखें तो ये स्टॉप वॉच जो है 2799 रुपीज़ में बहुत ही बढ़िया है। जो मेन स्क्रीन ये है,
ये कई भागों में इसको हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इस पर थोड़ी देर के लिए टैप करके हाथ को रखेंगे तो देखिए ये जो है कि इसका डिस्प्ले जो एक ये हो गया, फिर ये के ये टाइप है, फिर इस तरह का टाइप है, फिर इस तरह का टाइप है, फिर इस तरह का टाइप है और एक और ही ये टाइप है। ये तो ये देखिए हम लोग देखिए ये लगा सकते हैं इस तरीके से, तो ये जो है कि सब कुछ दिखेगा कि इसमें कैलोरी कितना बर्न किया, स्टेप्स कितने चले हैं। तो इस तरीके से बैटरी भी दिखा रहा है, शो करना है, ये सब कुछ है। फिर मेन स्क्रीन से जब हम लोग लेफ्ट जाते हैं तो यहाँ पे डाटा जो है कितना जो हम लोग चले हैं वो सब दिखाएगा, स्टेप्स, HR हार्ट रेट को दिखाएगा, BP, यहाँ पर BP भी हम लोग चाहें तो अप्रॉक्स हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर ब्लड ऑक्सीजन है, आजकल ऑक्सीजन लेवल तो हर कोई चेक कर रहा है, तो उस हिसाब से ये जो है कि बहुत ही अच्छा है। फिर हम लोग मेन स्क्रीन पे आते हैं और मेन स्क्रीन से ऊपर से नीचे स्लाइड करते हैं तो ये टेम्परेचर मेजर कर रहा है। और यहाँ पर एक खास बात है, देखिए ये टाइम को शो, ये फ्लैश लाइट, ये कहें तो टॉर्च की तरह भी ये काम करेगा रात में, ये इसकी जो लाइट है वो बहुत ही अच्छी चलती है। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग इसको टॉर्च की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये जो है इंटेंसिटी को बढ़ाने और घटाने के लिए भी है, चाहे जो है स्क्रीन की इंटेंसिटी को हमें बढ़ा दो पर रखते हैं, ज़्यादा रखने से बैटरी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। और फिर ये देखिए यहाँ पे ये पावर बटन है, ऑफ कर सकते हैं, और ये आई जो है यदि कुछ समस्या हो तो, और ये फ़ोन जब ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा तो फिर फ़ोन ये सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये फंक्शन करते हैं। अब हम लोग करते क्या हैं कि इस फ़ोन को जब बाइंड करते हैं तो उसके बाद कैसे काम करेगा, तो फिर इसको हम लोग देखेंगे फ़ोन पे कनेक्ट करते हुए, ठीक है। तो आइए चलिए फ़ोन पे कनेक्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ब्लूटूथ से हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या कि अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है कि इस QR कोड के द्वारा हम लोग जो है कि सबसे पहले इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। तो आपको चाहिए QR कोड रीडर या फिर चाहे तो कोई भी ऐसा जैसे कि गूगल पे है या फिर अमेजोन है जिसमें कि QR कोड दिया रहता है, तो उसके द्वारा भी चाहे तो हम लोग कि QR कोड को रीड करते हुए हम लोग इसका सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल में खोलेंगे QR कोड, फिर इसको यहाँ से ऑन करेंगे और फिर अपने मोबाइल में जा करके QR कोड रीडर जो है उसको ऑन करेंगे और फिर तब इसको हम लोग देखिए यहाँ से ऐसे सर्च कराएंगे और फिर ये इसको स्कैन किया, ये बंद हो गया। इसका टाइम बढ़ाना थोड़ा जरूरी है और फिर ये हो गया और फिर तब ये जल्दी से इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए फिट क्लाउड प्रो दिखा रहा है, यहाँ तीन स्टोर दिख रहे हैं, तो हम लोग गूगल प्ले स्टोर से करेंगे जो कि सबसे सेफ होता है। तो ये अभी से इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल है ना शुरू हो गया है, 7.2.9.10 परसेंटेज शुरू हो गया है। तो ये 80%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95% ओके इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। देखिए ये आ गया सॉफ्टवेयर का स्टाइल, तो जो है कि इस सॉफ्टवेयर का स्टाइल आ गया। और इसमें सबसे पहले करते हैं क्या होगा कि हम लोगों को रजिस्टर करना होगा या फिर लॉगिन करना होगा। तो हम लोग यूज विदाउट अकाउंट से भी कर सकते हैं या रजिस्टर। तो सबसे पहले इसको रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर में क्या करेंगे कि अपना हम चूँकि मैं पहले कर चुका हूँ तो इसमें जो है कि अपना ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, जो कि अभी शायद मैं भूल रहा हूँ। तो आइए दोस्तों इसमें करने क्या है कि सबसे पहले हमको लॉगिन करना होता है, तो लॉगिन और पासवर्ड चाहिए। तो लॉगिन आईडी जो है वो मैंने डाल रखा है। अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होता है, तो उसके बाद लॉगिन करते हैं। रजिस्ट्रेशन तो लॉगिन आईडी हो चुका है, तो हम लोग करते क्या है कि इसमें हम लोग पासवर्ड डालेंगे। तो पासवर्ड डालने के लिए थोड़ा सा मैं हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड जो है अपना फिल कर दिया है और हम लोग इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन बटन पर जैसे मैंने क्लिक किया
तो फिर आगे का प्रोसेस होगा और ये पासवर्ड सेव करने को कह रहा है। तो मैं चलिए इसमें क्या दिक्कत है सेव कर लेते हैं, अलाउ कर देते हैं, वेलकम्स ओके, ये सारा अलाउ मांगेगा ओके। रनिंग बैकग्राउंड ये सेट कर देंगे और इसमें जो है कि सेटिंग ये सारा कुछ हम लोग की। अब हम लोग सेटिंग में जाएंगे तो बैटरी का जो है उसको सेटिंग में देख लेते हैं और परमिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको परमिशन देना। तो यहाँ परमिशन जो है कि देना पड़ता है ताकि जो है ये परमिशन के द्वारा ये वर्क कर सके। उसके बाद हम वापस आएंगे और यहाँ पे क्या है कि अपना कुछ डाटा डालेंगे। तो यहाँ पे ये सब है तो फिर इसके बाद होम चले आते हैं और नो डिवाइस अभी बाइंड लिख रहा है। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि हम लोग को ब्लूटूथ ऑन करना होगा। यहाँ से भी बटन दबा करके हम लोग अलाउ कर सकते हैं। तो ये सर्च कीजिए, अलाउ करना पड़ेगा सबसे पहले कंफर्म, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है लोकेशन। लोकेशन के बाद ऑन किए और ये सर्च कर रहा है। यहाँ देखिए कनेक्शन, तो कनेक्शन देते हैं तो ये कनेक्टेड हो गया, सिंक्रोनाइज सक्सेस और ये सब कुछ डाटा आ गया। तो शुरू शुरू में ये सब हो गया। इसके बाद मैं लेकर के चला गया था, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाजार से घूम कर आता हूँ, तो फिर आगे का हम लोग देखेंगे कि ये कैसा होता है। सब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ ऑन करने के लिए हम लोग यहाँ से किए ओपन, ये ब्लूटूथ हमारा हो गया। फिर जब इसको इसके सॉफ्टवेयर में जब हम लोग जाएंगे तो सॉफ्टवेयर जो है इसका सॉफ्टवेयर का नाम है फिट प्रो। तो सॉफ्टवेयर हम लोग वहाँ से क्यूआर कोड से देखकर डाउनलोड कर लेते हैं और फिर कनेक्शन कर लेंगे ब्लूटूथ के थ्रू। देखिए जैसे ही सॉफ्टवेयर ऑन किया ये जो सिंक्रोनाइज सक्सेस कर दिया। इसको मैंने चार्ज लगाया था, उसके बाद में थोड़ा बाहर भी चला गया था, पैदल ही चला गया था। तो ये 3764 कदम मैंने चल भी लिया। अब मैं बाज़ार से आ गया तो फिर उसके बाद ये देख रहा हूँ। देखिए मैंने ये सारा कुछ किया है, गूगल फिट इस पर करते हैं। इसका T681BF इसका नाम है। इसमें देख रहे हैं कि बैटरी जो है कि फुल शो कर रहा है। इसमें वेदर रिपोर्ट, एक्टिविटी, पुश नोटिफिकेशन, ये सब कुछ जो है कि हम लोग चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल हार्ट रेट मॉनिटर भी जो है वो मेजरमेंट शो करेगा, सॉरी एलिवेटेड हार्ट रेट मेजरमेंट। ऑटोमेटिक हेल्थ मैनेजर है जो कि इसको इनेबल कर देने से हमेशा हार्ट को हमेशा ये मॉनिटर करता रहता है। और बैंड फाइंड भी कर सकते हैं, रिस्ट परफॉर्मेंस, आवर स्टाइल जो है, तो आवर के स्टाइल को हम चाहें तो कि 12 घंटे वाला या फिर 24 घंटे वाला चेंज कर सकते हैं। इसके बाद चाहें तो हम लोग जो है फ़ोटो भी इसके पहने पहने खींच सकते हैं मोबाइल के थ्रू, तो ग्रांट परमिशन देते हुए। लेकिन चूंकि मुझे ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसको रिफ्यूज़ कर देता हूँ। तो मोबाइल इसको रिफ्यूज़ करते हैं, रिफ्यूज़ करने के बाद इसको कैंसिल करना ज़रूरी है। फिर इसको बाइंड अनबाइंड चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। जब दूसरे मोबाइल में करना होगा तो फिर अनबाइंड करेंगे। अब देखिए इस पर टेम्परेचर शो कर सकता है, स्लीप मॉनिटर कितना सोए हैं वो दिखाएगा, हार्ट रेट आपका कितना है, ब्लड प्रेशर भी शो करता है, ऑक्सीजन लेवल जो कि आजकल इसी की सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो अब इसको करते हैं क्या, हम लोग थोड़ा सा खोलते हैं वॉच को और देखिए वॉच में जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये जो है दिखा शो कर देगा कि जो बीच वाला जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये बाइंड है। तो देखिए बीच वाला जो पॉइंट है ये ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब ये कि ये बाइंड है। अब जब भी कॉल आएगा, फ़ोन आएगा तो इसमें भी शो करेगा, साथ ही साथ ये हमेशा मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा जब तक कि हम लोग ब्लूटूथ ऑफ ना कर दें। तो इस तरीके से जो है कि हम लोग ये वर्क कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ही प्रोडक्ट है जो कि कम पैसे में है, 2799 रुपीज़ है। स्टाइल भी इसका अच्छा लग रहा है। आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू।
साथ ही इसके फंक्शंस के लिए जो कि हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन इन सब के लिए इसका पार्ट टू आप ज़रूर देखिए कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ज़रूर देखिए, मैं कल इसका पार्ट टू रिलीज करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।